मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहों की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। जैत्र रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु, आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा। जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा चार अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी। और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है, एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन चार ऋषि कुमारों को खोजे, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। चारों अश्वों के बल के समक्ष स्वयं विष्णु अवतार कान्हा और शेषनाग अवतार बलराम को करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। किसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर सके। तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा तीनों लोगों की वैभाता को संतुलित। ब्रह्मांड का आदिपति बनने की मंशा लिए कंस करता है देवी लक्ष्मी से विवाह का प्रयत्न। मैं प्रेम पूर्वक आपसे विवाह करना चाहता था, अब बल पूर्वक लक्ष्मीपति बनना होगा। वहीं दूसरी ओर अपने चार अश्वों को प्राप्त करने हेतु कान्हा करते हैं ब्रह्मदेव का आवाहन, किंतु उसमें बाधक बनता है बाहक का तप। मेरा आवाहन ब्रह्मदेव तक पहुँच क्यों नहीं रहा, कहीं बालक के यज्ञ का प्रभाव तो नहीं? बजरंग बली मैया कहती है कि साधु व्यक्ति की संगत से बढ़कर और कोई सुख नहीं होता। मुझे प्रसन्नता होती है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी फिर से भेंट हुई। कान्हा, आपसे मिलकर तो मुझे स्वयं ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो गया हो। कहिए कान्हा, मलय पर्वत किस कारण आना हुआ? बजरंग बली, मुझे ज्ञात है कि एक युग पूर्व आपने इस धर्म की ध्वजा को धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए धारण किया था, और युगों से आप इस धर्म की ध्वजा की रक्षा करते आ रहे हैं। इसलिए मुझे ये धर्म ध्वजा धारण करनी होगी जिससे संसार में धर्म की स्थापना हो सकती है। कान्हा, आपको ये धर्म ध्वजा सौंपना तो मेरा परम सौभाग्य होगा, किंतु कान्हा मैं ये चाहता हूं कि ये ध्वजा सौंपने से पूर्व आप मेरा एक संदेह दूर कर दीजिए। कैसा संदेह पवन पुत्र? कान्हा, कई अधर्मी अपने छल और बल द्वारा इस धर्म ध्वजा को पाने का प्रयास करते हैं। आप सत्य कह रहे हो बजरंग बली, यदि ये धर्म की ध्वजा किसी अधर्मी के हाथ भी लग जाए तो उसका अधर्म भी धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कान्हा यह सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ कि आप वास्तविक कान्हा हैं कि नहीं। बजरंग बली, तो
आप हमसे हमारे वास्तविक होने का प्रमाण मांग रहे हैं, जबकि हम अभी अभी आपके बहुरूपी से मिलकर आ रहे हैं। क्यों कान्हा? यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कान्हा, कि जब कई अधर्मी मेरा रूप धर के आपके सम्मुख प्रकट हो सकते हैं, तो वो आपका रूप धर के मेरे सम्मुख भी प्रकट हो सकते हैं। बात तो आपकी सत्य है बजरंगबली। मुझे क्षमा करें, मैं मात्र यह सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ कि यह धर्म ध्वजा किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ ना लग जाए। बताइए बजरंगबली, आपका संदेह दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कान्हा, मुझे गदा युद्ध में मात्र वही परास्त कर सकता है जो इस धर्म ध्वजा का वास्तविक उत्तराधिकारी हो। तो आप ये कह रहे हैं कि कान्हा को अपना प्रमाण देने के लिए आपसे गदा युद्ध करना होगा? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु इस धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है। बजरंग बली, कान्हा ने आज तक माखन खाने और अपनी बांसुरी बजाने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। हाँ, यदि आपको युद्ध करना ही है तो मैं करूँगा आपसे युद्ध। नहीं दाऊ, ये युद्ध तो मैं ही लड़ूंगा। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है धर्म की ध्वजा को धारण करने की। ब्रह्मदेव द्वारा राधा को पता चलता है कि उनके ऊपर एक नहीं बल्कि दो जन्मों का श्राप है, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें कनखल जाकर एक और यात्रा पूरी करनी होगी। दुर्वासा ऋषि कान्हा और बलराम की परीक्षा लेने हेतु दोनों को उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कहते हैं। मेरा भोजन तुम स्वयं अपने हाथों से बनाओगे, और यदि उसमें कोई भूल हो गई तो मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगा। का है ना भरभूति जी, अके हमको उधारी चाहिए झाड़ी। उरा उरा उरा, मिल गया मिल गया। आप मेरा हाथ पकड़िए, मैं जाके खींच के लेके आता हूँ। जाइए ना। ठीक, मैं जाइए जाइए, अब बस थोड़ा और। पीछे देख, वर्दी में हप्पूआ बैठा हुआ है अपनी लुगाई के साथ। जी नास पीटो, हमसे झूठ बोलो क्या? हमारी तबीयत खराब है और इतने कैसे दांत निकोड़ रहा हूँ मैं। एक बार और मूड बना दो। हमने तुझे पहले ही कहा था कि हप्पूआ को उसकी लुगाई से दूर रख। अरे फिल्म देखन दो ना यार, कर चकर मचाए हैं ससुर जी। कैसे लो नास पीटे, इसे केकड़ो जैसा मुँह का बना रहा है। घर चल, तेरे नींबू निचोड़े ही हम। तेरी जिद की वजह से माधव की जान चली गई। तू है माधव की मौत की जिम्मेदार, तू। माधव से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। सुन रही हो तुम? कोई नहीं। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि अब मिश्री, ब्लू बेटी, ईरा और पुष्पा की नजरों में डर लगता है और तुमने उसी के कपड़ों में पटाखे लगा दिए। मापू आप कह रही है, हमने बंश के कपड़ों पे पटाखे लगा दिए? हम तो पूरा समय अपने कमरे पे थे। श्री भरभूति जी, अके हमको उजाड़ी चाहिए झाड़ी। उरा उरा उरा, मिल गया मिल गया। आप मेरा हाथ पकड़िए, मैं जाके खींच के लेके आता हूँ। जाइए ना। ठीक, मैं जाइए जाइए, अब बस थोड़ा और। पीछे देख, वर्दी में हप्पूआ बैठा हुआ है अपनी लुगाई के साथ। जी नास पीटो, हमसे झूठ बोलो क्या? हमारी तबीयत खराब है और इतने कैसे दांत निकोड़ रहा हूँ मैं। एक बार और मूड बना दो। हमने तुझे पहले ही कहा था कि हप्पूआ को उसकी लुगाई से दूर रख। अरे फिल्म देखन दो ना यार,
चकर मचाए हैं ससुर जी। कैसे लोग नास बीटे, इसे केकड़ों जैसा मुंह का बना रहा है। घर चलते रहे, नींबू निचोड़े हम।